आपको हो क्या गया? पांच साल तक तो नजर नहीं आते और चुनाव के टाइम इतना दिखाई देते हैं कि पूछो मत। कभी ये सभा, कभी वो सभा, कभी ये बैठक, कभी वो रैली। इन लोगों को कौन समझाए भाई, रैली करने से कुछ नहीं होता, अगर कुछ होता है तो मेहनत करने से। अगर ये लोग पांच साल ढंग से काम कर ले तो इन्हें कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। सुबह सुबह कौन आ गया भाई? हम तो आम आदमी है जी, और आम आदमी से गलती हो जाती है जी। इस बार गलती हो गई जी, दोबारा गलती नहीं होगी। प्लीज आप अपना कीमती वोट हमें देना जी। आप कौन हो भाई? मैंने अपना वोट आपको कब दे दिया? सर सर, ये पिछले स्टेट वाली माफी वाली स्पीच नहीं बोलनी है, हम यहाँ दूसरे स्टेट में आए हुए हैं वोट मांगने के लिए। अरे यार, मैं तो भूल गया एकदम से। इतने सारे लोग हैं जी बेवकूफ बनाने के लिए, कब कौन से स्टेट में किसको बेवकूफ बनाना है जी, कन्फ्यूज हो जाता हूँ जी। आपने अरे कुछ नहीं भाई साहब जी, मैं तो सिर्फ ये कहा था कि आप अपना कीमती वोट हमें दें और हमें विजयी बनाएं और पूरे प्रदेश में फ्री वाईफाई पाए। अच्छा, अब याद आया, आप तो वही हो ना जो सबको कुछ ना कुछ फ्री में देने का वादा करके वोट मांगता है। कभी बिजली फ्री कर दूंगा, कभी पानी फ्री कर दूंगा, ये कहकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। अरे ये हमारे बारे में इतना कैसे जानता है? सर लगता है हमने गलत घर की बैल बजा दी है, ये तो कुछ ज़्यादा ही जागरूक मतदाता लगता है। अच्छा जी, हम चलते हैं जी, माफ़ कीजिएगा, लगता है हम गलत एड्रेस पर आ गए हैं। अरे नहीं भाई, आप बिल्कुल सही एड्रेस पर आए हैं, बल्कि मुझे तो आपको आपके सम्मान में कुछ देने की इच्छा भी हो रही है। आप यहीं ठहरेंगे, मैं अभी आया, कहीं जाइएगा नहीं। अरे कोई जागरूक वागरूक मतदाता नहीं है तो आम आदमी कोई अपना फैन दिख रहा है। क्या भाई साहब जी, आप तो गिफ्ट देने वाले थे जी, यही तो है आपका गिफ्ट। तो क्या मतलब जी? भाई तुम्हें सफाई करने का बहुत शौक है ना, वो झाड़ू चलाते हो, ये हमारा दंड है, हम इसी से सफाई करते हैं जी। वो कैसे, अब तक के ही बताऊँ क्या? अरे भागते कहाँ हो, अपना इनाम तो दे दो क्या? इनसे एक तो संभलता नहीं और हर जगह मुंह मारना है इन्हें। बधाइयाँ 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 भाई, चुनाव का मौसम पूरी सरगर्मी पर है। भाई चाय का मजा तो सुबह के अखबार के साथ ही आता है, क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं? कौन आ गया भाई? अरे दरवाजा खुला है, कौन है भाई? जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। अरे पप्पू, ओ आई मीन युवराज जी, मैं आपके अपनी कांग्रेस पार्टी का आपका अपना युवा नेता युवराज। वो बात अलग है कि मेरी उम्र 44 की हो गई है, लेकिन मैं अभी भी युवा नेता ही हूँ युवराज जी। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आपका कीमती नोट हमें ही मिलना चाहिए। सर नोट नहीं, वोट वोट। नोट नहीं वोट। अरे नोट तो हम दे ही देंगे। आई वेरी सॉरी, आई मीन वोट वोट। हाँ वही मैंने सोचा भी, नोट आप लोगों ने छोड़े ही कहाँ हमारे पास। अरे 60 साल में सभी तो छीन लिए। क्या मतलब? 60 साल का कम थे लूटने के लिए, जो अभी भी मन नहीं भरा आप लोगों का। अरे क्या बोल रहा है ये? सर सच्चाई बोलने। क्या मतलब? सर ये कुछ ज्यादा ही जागरूक मतदाता लगता है, इन्हें तो सब पता है। तो मैं क्या बोलूं इनको? क्यों, आज मम्मी ने कुछ सिखाकर नहीं भेजा? अरे
यार क्या बोल रहे हैं ये, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सर ये बेवकूफ लोग हैं, इन्हें क्या बता पाने के महाराजा हो। लगता है हम गलत एड्रेस पे आ गए। इनकी शिकायत मम्मी से भी करूंगा। अरे भाग जा तू प्रसाद। रुको रुको प्रसाद आ रहा है, खाकर चलेंगे। हाँ? मुझे इनके दादे ठीक नहीं लगते। ऐसा क्या, तो हो जाओ तैयार। एक दो तीन भागो। अरे भागते कहाँ, नोट नहीं चाहिए क्या? इनको नाड़ा बांधने तक के लिए तो मम्मी से परमिशन लेनी पड़ती है और युवराज बने फिरते हैं। मेरी चाय का तो सारा मजा मैंने खराब कर ही दिया। अरे कौन आ मरा? लो अब इनकी कमी थी, ये भी आ गए। चलो इनसे मिलते हैं।